गुजर रहे हैं जिसका नाम कोविड-19 है, और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश से कोविड-19 की बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन कई तरफ आते हैं। तो सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। वो कई तरफ से उस पर प्रेशर पड़ा है। आपको पता है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है पिछले कुछ माह के अंदर। जब रुपए की कदर में इजाफा होता है एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। उसके बाद जो हमारा यान है, जो हमारा धागा है, उसकी कीमतें बढ़ भी गई हैं और वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। कुछ तो इसमें जाहिर है कि हम ब्लेम डालते हैं अपने क्रॉप के ऊपर, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इसमें फैक्टर था वो थे चीन। क्योंकि चीन के अंदर जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए सिंकियांग की कॉटन के ऊपर, तो अमेरिका चाइना ने धड़ाधड़ यान को इम्पोर्ट किया। पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा यान एक्सपोर्ट हुआ चाइना को, और उसकी वजह से लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। अच्छा, अब जो हमारा छोटा मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा अपैरल मैन्युफैक्चरर है, वो उसने ऑर्डर किसी और प्राइस से बुक किए, रुपए की कदर बढ़ गई। धागा जो है उसकी प्राइस मार्केट में 35-40% बढ़ चुकी है और उसके बावजूद भी अवेलेबल नहीं है। जब आप उन लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 10-10 दिन पहले बुक किया था, 10 दिन बाद की डेट थी, वो भी नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सुविधा जो है हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी गंभीर है। इसमें एक ये मुतालबा आया कि जो हिंदुस्तान से जो कॉटन यान की इम्पोर्ट है वो अलाउ की जाए ताकि हमारा जो SME है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको सपोर्ट मिले। तो इस वक्त यान की इम्पोर्ट और यान की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा जाति यह ख्याल है कि हिंदुस्तान की जान आने से भी अगर हुकूमत ने फैसला कर भी दिया तो कीमतों में कोई खातर खा कमी नहीं आएगी। क्योंकि ये फिनोमेना हिंदुस्तान में भी गया है। हिंदुस्तान ने हाल ही में कुछ ड्यूटीज लगाई और वहां पर भी कॉटन यान की कीमतें हमारी मार्केट से ज्यादा बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के अंदर भी 35-40% बढ़ चुकी हैं। लेकिन सिर्फ ये होगा कि अगर आप इम्पोर्ट अलाउ कर देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम बहुत जल्दी इम्पोर्ट कर देंगे, प्राइसेस हाई रहेंगी लेकिन अवेलेबिलिटी फॉरन हो जाएगी और हमारा जो छोटा SME है, जो हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए काफी आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन हसन साहब, सवाल मेरा ये है कि हमें इकोनॉमिकली तो ज़ाहिर फ़ायदा है तो हम इसकी जानब बढ़ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से ये भी सुनने में आ रहा है कि ये महंगी पड़ती है इसलिए भारत की जानब बढ़ते हैं। एक मौके पे हम भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करते हैं और ख़त्म हम करते हैं या तकरीबन ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं कि जी आपने जो कश्मीर के अंदर कर रखा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता है कि कश्मीर में तो कोई चेंज नहीं है, हमने देखा जैसा मामला थे आज भी वैसे ही हैं और हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम कह रहे हैं जी आए हेल्प अस आउट फ्रॉम दिस ऑल। ये किस किस्म की मूवमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। एक तरफ असूल मौकफ है, एक तरफ डिप्लोमेसी और सियासत है, और एक तरफ इकोनॉमिक रियलिटीज है। हमें अपने असूल मौकफ से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया और जो कर रहा है उसकी ना मिसाल मिलती है और ना ही उसको किसी सूरत हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बॉर्डर के ऊपर जो क्लैशेज हुए उससे हमारा जो जानी नुकसान हुआ, जो हमारा और किस्म का नुकसान हुआ, वो हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी तनाजुर के अंदर आपने देखा कि हाल ही में सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि पीस की तरफ एक कदम है। तो सीज फायर का हमें से मतलब नहीं कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक पार्ट बन जाए, लेकिन ये जरूर है कि फौरी तौर पर टेम्परेचर में कुछ कमी आई। अब आती है इकोनॉमिक रियालिटी। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं। आपने देखा कि अमेरिका और चीन की कितनी कशमकश और टसल थी, ट्रंप ने आकर कुछ सेंक्शन लगाई लेकिन बावजूद उसके उनकी ट्रेड जारी रही। ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज है, इकोनॉमिक रवाबित है, ये दुनिया की जरूरत है, इनको आप टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर आप इसको कट ऑफ करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट है। और इसकी मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ। एक मिसाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पड़ोस में आपके पास आपको धागा मिल रहा होगा, वो सस्ता भी होगा, वो 10 दिन के अंदर आपके मुल्क में भी आ सकता है, उसके बावजूद आप महंगी
बाले की तरफ जाएंगे और वहां से इम्पोर्ट करेंगे, जहां से आने में 45 दिन लग जाएंगे, उतनी देर में ऑर्डर लोगों के कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आजकल हम एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहे हैं जिसका नाम COVID-19 है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश के COVID-19 की बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं लग सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन कई तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सुनों का समझौता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन इकोनॉमिक रियलिटीज को मद्देनजर रखकर। तो हसन साहब, क्या पाकिस्तान को ये फैसला करते वक्त नहीं सोचना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड जब वहां पर कर्फ्यू लगा, क्लैंप डाउन लगा, लॉकडाउन लगा, हमने उसके बाद फैसला लिया, हमने जमीनी फिजाई रबते मुनकता किए, हमने उनके साथ ट्रेड जो है वो रोकी और हमने कहा जब तक आप इनको ईज नहीं करेंगे, इनके ऊपर से कर्फ्यू नहीं लिफ्ट करेंगे तब तक तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हमें कश्मीर से ही गुफ्तगू का आगाज करना चाहिए, तो वो सारा कहां गया सर? देखिए बात यह है कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक ऑप्शन असेस की, हाई कमिश्नर को हमने वापस भेज दिया। जी हाई कमिश्नर को भी हमने वापस भेज दिया दिल्ली। जी बिल्कुल, देखिए ना, हमने हर मुमकिन उन पर पाबंदियां लगाई, हमने इस मसले को आलमी सतह पे उठाया और हमने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया को उन पर एक ऐसा प्रेशर पड़े कि वो ये डिसीजन वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं हो सका, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान लामहदूद मुद्दत के लिए ये जिद नहीं लगा सकता कि जी देखिए हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ हर वक्त एक जंगी हालत में रहेंगे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मीशत है, वो इसकी मुतहमल नहीं हो सकती। हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ, बाकी दुनिया के साथ इस मसले को उठाना है, हिंदुस्तान पर बिल्कुल प्रेशर डालना है, लेकिन ये ऐसे नहीं करना कि हम अपनी मीशत को नुकसान पहुंचाएं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं, हमारी वैक्सीन के लिए एक्सेस ना हो, हमें टेक्सटाइल के लिए इनपुट्स ना मिल रही हो। ये अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक रियलिटीज है जिनको मद्देनजर रखकर हमें ये फैसले करने हैं। यानी हम एक दफा आए और हमने पूरा घन घरेज के साथ हमने धाड़ा और हमने कहा कि ऐसी की तैसी आपकी, और उसके बाद हमने कहा कि वो हमारे तो मसले बहुत ज्यादा हैं तो लेट्स सॉर्ट देम आउट इन दिस वे, ऐसा ही हुआ? देखिए दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जो इकोनॉमिक रियलिटीज पे बैक एंड फोर्थ नहीं करता? ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड है, कई दफा स्ट्रेटेजिकली। लेकिन दुनिया के ऐसे ममालिक भी तो बहुत कम है ना हसन साहब, जो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, जिनके लीडरान ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते और उसके बाद देयर इज अ चेंज, देयर इज अ पॉसिबल चेंज। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया में कम ऐसे वाकयात हैं, लेकिन लाजवाब मिसालें हैं जिसके अंदर मुल्क हार्ड स्टांस लेते हैं और फिर ओवर अ पीरियड वो सॉफ्ट डाउन होता है जब इकोनॉमिक रियलिटीज टेक ओवर करती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी इस सिचुएशन में है। गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया फाइनली भारत की वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलेंगी भारत से वैक्सीन, भारत से जो वैक्सीन आपको पता है कोवैक्स जो वैक्सीन बन रही है वो पाकिस्तान को मिलेगी। आपको पता है ये भारत डायरेक्टली नहीं दे रहा है, पाकिस्तान ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट भी नहीं की है, ये उन गरीब देशों को दी जाती है जो गरीब देश भुखमरे, जो भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, भूखे नंगे लोग हैं। तो उन देशों का एक समूह बनाया गया था, आपको पता है वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं गावी, तो उनके अंतर्गत पाकिस्तान को लगभग अभी 45 मिलियन डोजेस, मतलब 45 मिलियन डोजेस मिलेंगे और अभी शुरुआत में शायद 15 मिलियन डोजेस मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ये बहुत बड़े नंबर हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में आपको पता है PSL हुई थी जो, वो कोरोना वायरस की वजह से एक फिर से एक बार कैंसिल हो गई, यानी पाकिस्तान में कोरोना वायरस जमकर है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कोरोना वायरस होता है, लोगों को इतना इफ़ेक्ट नहीं किया है कोरोना वायरस ने, और कोरोना वायरस होते हुए भी लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो इस वजह से भारत में तो हालांकि अब वैक्सीनाइजेशन काफ़ी तेज हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो उसी तरीके की कुछ हालात पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान को ले देकर भारत की वैक्सीन अब मिल ही रही है। और पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो चाइनीज़ वैक्सीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो चाइनीज़ वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान चाहता, भारत ने जितने भी भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, सार्क देश हैं और भी बहुत सारे देश हैं, सबको इतनी वैक्सीन मुफ्त में दी है। आपको बता दें जो वेस्ट इंडीज़
क्रिकेट कंट्री है, मतलब क्रिकेट कंट्री नहीं बोलेंगे, क्रिकेट जो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जो देश हैं उनकी जो आबादी है वो 100,000 भी नहीं है, वहाँ भारत ने वैक्सीन पहुँचा दी और वहाँ के लोग भारत के दीवाने हो चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हो जहाँ की आबादी ही 72,000 हो, उन देशों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है, मैं आपको सीरियसली बोलना चाहता हूँ, लेकिन उनके जब मैं ट्वीट पढ़ता हूँ, उनके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन देखता हूँ भारत की तरफ, तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि उनकी पूरी आबादी को ही भारत की वैक्सीन लगेगी। तो ये एक बहुत गर्व की बात है एज अ इंडियन। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, भारत ने इन देशों में, अफ्रीका के गरीब देशों में, बहुत सारे देशों में वैक्सीन पहुंचाई है, और शुरुआत में तो भारत ने कई देशों को गिफ्ट में वैक्सीन पहुंचाई है। आप समझ सकते हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जो भारत के ये पड़ोसी देश हैं। अगर इमरान खान के अंदर इतना एटीट्यूड ना होता, इमरान खान जो मतलब आप समझ सकते हो इतना एटीट्यूड है उसके अंदर, अगर वो ना होता तो शायद भारत से अगर वो वैक्सीन मांगता तो भारत कभी भी मना नहीं करता। आप भी समझते हो भारत कभी भी मना ना करता, लेकिन इमरान खान ने अपना एटीट्यूड कायम रखा और भारत कि वैक्सीन मांगने मतलब इसने देखा ही नहीं। हालांकि थर्ड पार्टी से ये जुगाड़ में लगे कि भारत की वैक्सीन कैसे भी मिल जाए, तो वो हो चुका है फाइनली, और इनको ले देकर भिखारी समझकर चाइना ने 5-6 लाख वैक्सीन दी। वो वैक्सीन लगवाने के लिए पाकिस्तान के डॉक्टर्स ही तैयार नहीं हो रहे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं पाकिस्तान के वो ही तैयार नहीं हो रहे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों इस तरीके के हालात हैं। और ऐसी खबर भी आई थी कि अफगानिस्तान में जो भारत ने वैक्सीन पहुंचाई थी वो किसी तरीके से पाकिस्तान के पास पहुंच गए और उन्होंने वैक्सीन लगाई और उसके रिजल्ट कुछ अच्छे आए, जिस वजह से पाकिस्तान भारतीय वैक्सीन का दीवाना हो गया और भारत से वैक्सीन चाहता है। तो आप समझ सकते हो केवल एक आर्मी और एक प्राइम मिनिस्टर के एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तानी भारत की वैक्सीन लेने से वंचित है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, तो ये इमरान खान का एटीट्यूड बस है। तो दोस्तों वीडियो को होता है खत्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।